what is trimal? Trimal is a simple fused polygon which is made up of three line segments. ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल एक सिंपल क्लोज पॉलीगन है जो थ्री लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्लोज्ड पॉलीगन एंड मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स। ट्राइंगल इटसेल्फ डिस्क्राइब एग्जांपल, ट्राइंगल यानी कि तीन एंगल। सो ए बी सी इज अ ट्राइंगल, इट इज डिनोटेड बाय साइन डेल्टा। इसको ये सिंबल मैथमेटिकल सिंबल डेल्टा, ग्रीक वर्ड का सिंबल है ये, इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी लिख सकते हैं, ट्राइंगल बी सी सी ए बी लिख सकते हैं, या इसको ट्राइंगल बी सी ए लिख सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, आप एक पॉइंट से शुरू कीजिए और तीनों पॉइंट कवर कीजिए, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, इन सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब सेकंड, इट हैज थ्री साइड्स। क्या है इसकी? थ्री साइड्स है। कौन कौन सी साइड्स? कौन सी होती है? ए बी, बी सी एंड सी ए। क्या है इसकी साइड? ए बी, बी सी और सी ए। अब हम जानते हैं कि लाइन सेगमेंट्स को हम ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं, तो ये क्या लिखा जा सकता है? बी ए, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी बी, और सी ए को क्या लिख सकते हैं? ए सी। तो ये लाइन सेगमेंट्स को लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग इज वर्टाइसेस। सो व्हाट आर वर्टाइसेस? वर्टाइसेस क्या होते हैं? वो पॉइंट जहाँ पर दोनों साइड्स मिलती हैं वो वर्टेस होता है। तो यहाँ पे वर्टेस क्या है? ए बी एंड सी, ये इसके वर्टेस है। और एंगल, द थर्ड थिंग इज एंगल। एंगल कौन सा है? ये जो रीजन है यानी कि इस लाइन से इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये इसका एंगल है। ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, ये तीन इसके एंगल है। अब इस एंगल का नाम क्या होगा? सी ए बी, क्योंकि यहाँ से शुरू होके ये का सी ए बी, इसको एंगल ये साइन यूज करते हैं, सी ए बी या बी ए सी। ये सी ए बी और बी ए सी दोनों का मतलब एक ही है, ऐसे सेम ऐसे ए बी सी, सी बी ए, बी सी ए, ए सी बी और सी ए बी, बी ए सी। इस तरीके से इसके ये तीन ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल जो होता है वो किसी भी सरफेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे? एक ट्राइंगल के अंदर, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो जो पी पॉइंट है उसकी लोकेशन क्या है? पॉइंट पी लाइ इनसाइड द ट्राइंगल, पी लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, क्यू lies on the triangle and R lies outside the triangle. So this triangle divide any region in three parts, inner, outer, on the triangle. Okay, now triangles could be divided into types of triangles. ट्राइंगल के क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स होते हैं। और किस बेसिस पे टाइप्स होते हैं, कैसे कैटेगराइज करते हैं हम ट्राइंगल्स को? दो बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स और ऑन द बेसिस ऑफ साइड। सो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेस पे थ्री टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल एंड स्कैलेन। ये तीन टाइप है। आइसोसेलेस क्या होते हैं? वो ट्राइंगल्स जिनकी दो साइड्स इक्वल होते हैं। ट्राइंगल्स हैविंग टू इक्वल साइड्स, ओनली टू इक्वल साइड्स, and those triangles are known as isosceles. For example, this STU, this is a triangle, the side ST and SU, both the sides are equal. This is unequal, only these two sides are equal, and this particular triangle will be known as isosceles triangle. So isko hum kya bolenge? Isosceles triangle. Koi bhi do sides ho sakti hai, ye do sides ho sakti hai, ye do sides ho sakti hai, ye do sides ho sakti hai. Second hai equilateral triangle. Equilateral triangle, equal word आ रहा है, means all the sides should be equal. तो अगर तीनों sides equal हैं,
व्हाटएवर द लेंथ इज, इट डजंट मैटर, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या आएगा? सो पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. द थर्ड वन इज स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की कोई सी भी साइड्स इक्वल नहीं है तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएगा? स्केलिन ट्राइंगल. फॉर एग्जाम्पल दिस डी ई एफ is a scalene triangle. This is not equal to this, this is not equal to this, and this is not equal to this. None of them are equal. So this is a scalene triangle. Now, on the basis of angle, triangles could be divided on the basis of angles also, and there are three types of angles: acute angle triangle, obtuse angle triangle, right angle triangle. Acute angle means angle which is less than 90 degree. So, अगर जिस किसी ट्राइंगल में सारे एंगल्स, तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा. ऑब्ट्यूज्ड, द वर्ड इटसेल्फ डिस्क्राइब, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ग्रेटर देन 90. अगर किसी ट्राइंगल में एंगल, कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल ग्रेटर देन 90 होगा तो वो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज्ड एंगल कहलाएगा. और थर्ड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल. अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री, एंड रिमेम्बर, हमेशा ध्यान रखना, केवल एक ही एंगल 90 डिग्री का या 90 डिग्री से ज्यादा का पॉसिबल होता है एक ट्राइंगल में. क्यों? इट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल. सो इफ अ ट्राइंगल इज हैविंग एन एंगल 90 डिग्री देन इट इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. Thank you.